मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला विकासखंड तामिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत भोड़िया पानी गांव के केरा ढाना गांव में कुल 30 परिवार निवास करते हैं, जहां पर लच्छो बाई के साथ साथ पूरे गांव के लोगों को इस कच्ची रोड की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा माँ, आपको अभी क्या दिक्कतें हुई? अभी तो हमको बहुत दिक्कत है, सिर में वजन लेके चढ़े हैं भैया जी, तो पसीना पसीना हो गया, पानी पीने को नहीं मिल रहा है। बीच में बैठे हैं हमको बहुत दिक्कत है, हाथ पैर बहुत दुख रहा है, पानी नहीं मिल रहा है पीने को, हमको रोटे की दिक्कत है। रोट बनना जरूरी है, लड़का बच्चे स्कूल जाते हैं तो रोट नहीं है तो लेट हो जाते हैं, धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते में लेट हो जाते हैं। अच्छा, आपको क्या समस्या होती है रास्ते से? रास्ते की समस्या है, हमारे गांव में रास्ता नहीं है, ऐसे चलते थोड़े गड्ढे की रास्ता भी रहती तो ठीक रहता, वो तो अंधेरी हो गई तो बड़ी परेशानी जाती, बारिश में परेशानी जाती, लड़के बच्चे कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं तो वो भी परेशानी है, कई रात में गिर भी जाते हैं। हाँ, आने जाने में तो हमको रास्ता चाहिए, रोड चाहिए, आने जाने की सुविधा चाहिए। इस गांव के लोग यदि बीमार पड़ जाते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करते हैं। स्कूल वाले बच्चों को भी इसी रोड के वजह से स्कूल जाने में काफ़ी समय हो जाता है। केरा ढाना से तामिया की दूरी 15 किलोमीटर है, और इसके साथ साथ सियाने बुजुर्गों को भी आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती है, और यदि किसी को अर्जेंट काम के लिए बाहर जाना होता है तो वो भी सही समय पे नहीं पहुंच पाता है। मैं चाहता हूं कि केरा ढाना गांव तक रोड की सुविधा की जाए, ताकि इस गांव के लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसीलिए मैं आप सभी इस वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करूँगा कि आप हमारे छिंदवाड़ा ज़िले के कलेक्टर श्री महेश चंद्र चौधरी जी से 071-62-24-23-02 में बात करके उन पर दबाव बनाकर हमारा सहयोग करें। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से मैं राजू परतेती, इंडिया अनहर्ड के लिए।